रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट हो गया। और ये हमारे साइड में दिख रहा है, ये है धरती माँ, और हाईवे से धरती माँ जाना नामुमकिन लग रहा है। अरे यार कहीं से कटना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों, धरती माँ बाहर हो गया, धरती माँ दिख रहा है, वो धरती माँ है। हमको वापस सिलता जाने के लिए तो आगे मिल जाएगा ऑप्शन, पर धरती माँ जाने के लिए मिलेगा। ये है आपके सामने में जियो का, शायद हाँ जियो का है पेट्रोल पम्प। अरे हाईवे तक दौड़ रहे हैं अपने साइड में। हमको जो अंडर ब्रिज दिख रहा था वहाँ से घुसना था, हम सिलतरा जाने वहाँ जाने के लिए आपको सिलतरा और धरती में घुस नहीं पाए। हम बाहरी रोड में हैं अभी, रायपुर हाईवे में ना, कहीं से देखते हैं आगे रास्ता कहीं मिलेगा, वहाँ से कटेंगे हम। क्या करें अब, निकल के तो निकल के कैसे करें। देखते हैं आगे कहीं रास्ता मिले तो। यहाँ पे आगे एक रास्ता कटा हुआ है, वहाँ घुसते हैं। हम आगे नहीं आएंगे वर्विज में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ से आरंग 47 किलोमीटर, भिलाई 49 और रायपुर 22 किलोमीटर दूर है। और आगे नहीं आएंगे, धरती माँ वैसे भी स्किप कर दिए हैं। यहाँ से चरों से जा सकते हैं, मोदी वन जा सकते हैं रायपुर के लिए सीधा। हमको नहीं जाना है, चरों से जाना है हमको, हम नहीं जाएंगे रायपुर। हाईवे से जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, रायपुर तो जा ही सकते हैं। आपको सिलतरा भी चले ही जाएगा, पर हमको नहीं जाना है वहाँ पर। देखिए चरौदा जाने के लिए आपको दाएं कटना पड़ेगा और मोहती जाने के लिए आपको बाएं। और ये देखिए सड़क में एक सानस दौड़ रहा है। और हम कर जाते हैं दाएं, क्योंकि हमको जाना है वाया धरती माँ। चरौदा आपको आप जानते होंगे एक मगरमच्छ वाला एक सीन बना हुआ है तालाब में, वो है चरौदा। और हम जा रहे हैं हाईवे छोड़ के चरौदा। इस रास्ते में एक बार चल चुका हूँ, इसलिए मुझको पता है। देखिए इधर है हाईवे और ये चरौदा का गांव का जाने का रास्ता। और हमको वापस धरती माँ नहीं जाना है, हम जाएंगे आगे सिलतरा रोड में। ये आपका ये तालाब है, यहाँ शायद सौंदर्यीकरण हुआ है। ये शिव जी का मंदिर है और ये देवी मुक्ति धाम है। ये अभी मेन रोड आने वाला है, उससे हम ये देखें सामने मेन रोड आ गया। अब आप धरती माँ जाना चाहते आप दाएं जाइए, और आपको सिलतरा जाना है बाएं जाइए। हम बाएं घूमते हैं, हमको सिलतरा जाना है न कि धरती माँ। यह है चरौदा। डीजे लगा हुआ है, पता नहीं क्या है। ये देखिए ये है भगवान विष्णु जी का मंदिर, यही चरौदा का मुख्य आकर्षण। भिलाई चरौदा वो अलग होता है, ये चरौदा अलग है। यहाँ पे डीजे चल रहा है, पता नहीं शादी नहीं है, कुछ तो ठंडा कर रहे हैं लोग। ओ लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता को ठंडा करने के लिए जा रहे हैं। पलट के मैं देख नहीं सकता, मिरर से देखा हूँ मैं तो लक्ष्मी माता लग रही है। तो आज हो गया एक दिन लेट से चल रहा है पूरा कार्यक्रम, क्योंकि अरे फिर से वापस मेरे रोड में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाने से चौरादा दिखा दिया। अब फिर से वापस रायपुर बिलासपुर हाईवे में फिर से प्रेस कर रहे हैं।
आगे सिलतरस कटेंगे फिर से हम। देखिए ये हाईवे, फिर वापस आगे वही हाईवे ये छोड़े थे, फिर से वापस। यहाँ से कोई बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से पढ़ते हैं निर्देश का। जेके टाउन टाउन साइड में है और रायपुर के लिए सीधा है। जीके टाउन शायद गोदावरी का कोई टाउन है शायद, जीके टाउन शायद वैसे हो गए जीके। ये आपको दिख रहा है सिलतरा, देखिए यहाँ से पूरा सिलतरा है, इधर पूरा प्लांट ही प्लांट है। आप जहाँ उसको जाना है वहाँ के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा मैप में। वैसे मैं उसको कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं रास्ते में, देखते हैं कहाँ मिलता है रास्ता। लकी ढार का ढाबा पार्किंग, इधर पूरा प्लांट ही प्लांट है, इस पर जाना प्लांट पावर प्लांट ये प्लांट वो प्लांट सब है। अरे मुझको याद नहीं कोई सिलतरा का बनाया है वीडियो ऐसा, मुझको याद नहीं है, दिखोगा तो कोई बात नहीं एक और वीडियो सही। देखिए हाईवे में चल रहे हैं, कितना ट्रैफिक यहाँ से चलता है। पहले यहाँ से बहेसर मांडर हाईवे से हम लोग कट जाते हैं वही चलेगा। इस तरह की शॉर्टकट रास्ता और है पर हम नहीं जाते हैं, हमको जाना है फेज टू। इधर को कहते हैं फेज वन, इधर को कहते हैं फेज टू। हाँ दोस्तों ये आगे सिलतरा, इधर है सिलतरा बस्ती और हम आगे भी बढ़ रहे हैं अभी भी, और आगे जाके हमको जाना है बाईपास काटना है सिलतरा के लिए फेस टू के लिए। ये फेस वन है इधर आपका सिलतरा गांव है, ये इंडस्ट्रीज लिखा है देखिए यहाँ, इधर है सिलतरा और इधर आपको फेस टू सिलतरा फेस टू। आगे जाके ये रास्ता कट जाता है आपका रायपुर और आपका दुर्ग रोड में, दो रूप में डाइवर्ट हो जाता है। तो ये शायद दुर्ग रोड है अभी जो चल रहा है शाम को, आपको हाईवे दिख रहा है वो, और ये आपका रायपुर रोड है। पीछे गाड़ी आ रहा है उसको क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ आपको रास्ता। आगे जाके ये कट जाता है आपके मांडर के लिए, मांडर स्टेशन। ये पेट्रोल पंप है ना, आप जैसे देखेंगे आप समझ जाइए आप मांडर के लिए रास्ता आगे है आपके लिए। ये यहाँ से मांडर की रास्ता कट जाता है, आप मांडर स्टेशन जाना चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए आपका सिलतरा गांव से होते हुए आप मांडर स्टेशन जाएंगे। ऐसे रोड हो जाता है कल्याण, यहाँ से ट्रैफिक है ध्यान से चलाइए गाड़ी क्योंकि यहाँ बहुत एक्सीडेंट। ये देखिए साई कृपा हॉस्पिटल है यहाँ पे, खास इसीलिए जो एक्सीडेंट होते उसको यहीं ला के भर्ती कर देते हैं। तो ध्यान से रहिए यहाँ, और ये आपको सिलतरा फेस टू जाना है तो आपको यहाँ से कटना पड़ेगा। ये देखिए बाईपास ऊपर हाईवे दुर्ग रोड है, आपको रायपुर जाना सीधे जाइए, आपको सिलतरा जाना है तो इधर आइए। इस लाइन में आपको सब चीज़ मिलेगा, हर प्लांट। अभी मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ यहाँ मिल पड़ता है रास्ते में आपका वंदना ग्लोबल और दो तीन कंपनी है, मैं भी उतना नहीं जानता भी डीजल, एक दो जानता हूँ जहाँ मैं खुद काम कर चुका हूँ इसलिए मुझको पता है। वैसे मैं भी नहीं जानता इधर रास्ता। देखिए ये फेस टू है, देखिए फेस टू लिखा हुआ है बाकायदा बोर्ड में। यहाँ पर 220 KV 132/32/33/11 KV का एक सब स्टेशन है जो उसको सिलतरा सब स्टेशन बोल दिया जाता है। फेज टू का है, फेज वन में तो नहीं है कोई सब स्टेशन, अभी ये है 132/32/11 हमारे इस साइड में है, आपके दाएं साइड में है।
अभी साहब आपको पेड़ पौधों के दिखा नहीं पा रहा हूँ। कई कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके नाम लिया मैं। देखिए इधर बाजू में है आपका, आपका 220 KV सब स्टेशन, ये यहाँ पे लगा है बोर्ड, मेन रोड है। और जहाँ हमको जाना है वो सीधा सीधा ही है शायद, या घूमते हैं पता नहीं, मुझको भी याद नहीं है, क्या करूँगा बताइए। ये आपका वंदना ग्लोबल के लिए शायद आगे से रास्ता है, ये नहीं है, आगे से राकेश धर्म काटा है। हाँ, सामने वाला जो दो चिमनी दिख रहा है वो है आपका वंदना ग्लोबल। क्या कुछ समय मैं काम किया हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ समय किया नहीं है, वहाँ का हर चीज़ जानता हूँ मैं, क्यों वहाँ काम किया इसी वजह से। और आपको सिलतरा का वाइन शॉप रास्ता है, चाहे उस साइड से जाइए चाहे इस साइड से जाइए, दोनों एक ही बात है, आगे जाके आपको मिलना ही पड़ेगा। ये है वंदना ग्लोबल, शायद उस पार जाना चाहिए था हमको, वहीं सब आ गए उधर, ऐसा तो नहीं है अभी तक। रास्ता मिल गया, मिल गया दोस्तों, रास्ता मिल गया हमको जाने के लिए पार। ये है यहाँ का तिलतरा का वाइन शॉप। हाय दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आपका वंदना ग्लोबल रास्ता है ना, उसे दाएं से कट के हम जा रहे हैं, जा रहे हैं मुनरेठी गांव। मैप के हिसाब से बता रहा है, इस रास्ते चलिए सीधा सीधा। अरे लॉक खुल गया यार, सॉरी, रोकना पड़ेगा कहीं गाड़ी नहीं, चलिए देखते हैं गाड़ी जहाँ तो जाता है चलते हैं। ये एनवी डिस्टिलेशन पता नहीं क्या लिखा है, जैसे भी आगे है। ये देखिए कोई पावर प्लांट है यहाँ पे, चिमनी से देख के हमको पता चलता है पावर प्लांट है कि नहीं है। ये रास्ता बीजे खराब था, अब तो फिर से ठीक हो गया, होता रहता है खराब होता है, सब ठीक हो जाता है फिर खराब होता है, फिर कंपनी लाइन में सब होता रहता है। यहाँ एक लगा हुआ है टर्बाइन बाइक, यहाँ बाहर पहले अंदर होता था। ये है त्रिमूर्ति ऐसा कुछ है, यहाँ स्पंज जाना जितना भी है वहाँ कोई ना कोई पावर प्लांट है, जैसे कि 6 MW, 12 MW, 16 MW ऐसा रहेगा सब। ये राम विश्वास पता नहीं क्या क्या इस बात से, सब यहाँ इस बात ही है। और आपको मुनरेठी गांव जाने के लिए आपको आगे के चौक जाना ही पड़ेगा मैप के हिसाब से भाई, वैसे तो ऐसे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, रास्ता सब रास्ता वहीं मिलता है। ये आ गया चौक, यहाँ से हमको कटना है बाएं मुनरेठी गांव के लिए। यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये है सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा लाइट लगा शायद, पता नहीं नहीं रहा है, इसी लाइन में शायद सुनील स्पंज है, सुनील स्पंज मुझको याद है शायद, उससे ज़्यादा मुझको भी याद नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो खम्बा नहीं है लाइट का, वो है तार का कनेक्शन, जो कंपनी वो जो आपको 220 सब दिखाया था सभी वहाँ से कनेक्शन लेके बैठे हैं लोग, वहीं से कनेक्शन दिया गया, तो उसी का लाइन है वो। देखिए सामने दे आपको दिख रहा होगा, दिखा होगा, ये देखिए सामने 3 फेज का एक साइड लगा हुआ है, यही रोड है सीधा सीधा आपका मुनरेठी। ये देखिए GR मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल ऐसा कुछ है GR। आप लोगों को मैं सिलतरा दिखाने आया हूँ, सिलतरा, ये सिलतरा का फेज 2 एरिया। वापसी में जाऊँगा सोच रहा हूँ भाई, अभी फिक्स नहीं है, सिमगा होते जाऊँगा सोच रहा हूँ मैं,
ये आपका सुनील से देखिए, सुनील स्पंज 5 मिनट, सुनील आ गया, आपको बोला था सुनील का। हाँ देखिए, ये करो काल में ख़त्म हो गया कंपनी। इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनता है, आपका जो स्विच है, आपका कंट्रोलर है, जैसा भी है जो भी इलेक्ट्रिकल का है, उसका सामान इधर बनता है, बनने के प्लांट है इधर। ये टावर लाइन कहाँ गया है मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आगे कोई बड़ा प्लांट होगा इसके लिए दिया है। हाँ यहीं क्रॉस हो गया है, यहीं पर हो गया, कोई प्लांट है उसके लिए। ये एल्यूमिनियम प्लस वाला जो खंबा है वो लगाया गया है, 33 kV का सप्लाई, 132 kV का है शायद, या 220 का है शायद, यहाँ से हो गया रास्ता उसके लिए। उसके लिए है API इस्पात के लिए गया है वो लाइन, 220 का जो सप्लाई गया है वो गया है API इस्पात। आरती पावर एंड इस्पात ऐसा कुछ है, वो API का फुल फॉर्म यही है, API पावर प्लांट। और ये 33 kV सप्लाई जा रहा है इधर, ये तो 11 kV सब दिखता है हमको। ये बाजू में है क्या प्लांट है, इसका नाम है भूल गया मैं, बहुत दिन हो गए मैं आया नहीं हूँ। आगे देखिएगा, नाम बताऊंगा मैं आपको। ओम इसमें नहीं है, दूर नहीं, ओम इसमें नहीं हो सका। ये निर्मल इंडस्ट्रीज, और ये क्या है बताते हैं आपको। अच्छा बड़ा प्लांट ही है, कौन सा है पता नहीं। ओम इस्पंजी है। अभी इस इलाके के लड़के खाली बैठेंगे तो अजीब लगता है ना, इतना सारा प्लांट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। अरे कहीं भी गए स्थानीय लड़कों को रखते हैं, और क्या है जमीन का वो रहता है ना विवाद रहता है, इसलिए रखते हैं। ये हीरा का एक प्लांट है यहाँ पे, पास में दिखता नहीं, दूर में होगा शायद। ये आगे हम मुरैठी गांव सॉरी, वो मैप में मुरैठी हो रहे हैं पर एक्चुअल में है मुरैठी गांव। यहाँ गांव घुसते ही ब्रेकर स्टार्ट हो जाता है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पूरा मुरैठी गांव का ही डाल देंगे, काटता हूँ इसको वीडियो को। मर गया रे, क्या चीज़ पता नहीं, लक्ष्मी